मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको सी सी यू कैंडी स्कूल कोडोदो की तरफ से दिया जा रहा है। नाइन्थ क्लास 1.3 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, दो लेक्चर हो गए। तीसरे लेक्चर में देखें आप क्वेश्चन नंबर 5, इसका पहला पार्ट भी हो गया, दूसरा भी हो गया, थर्ड पार्ट आपको वैल्यू दी गई है ए इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू 2, 3, 1 और आगे जो उसकी थर्ड रो है उसमें 1-1, 0। ये वैल्यू दी गई है, आगे बी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है। तीन मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, तीन तीन रो है, 3x3 ऑर्डर वाले। थर्ड पार्ट में पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड है बी प्लस सी, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बी प्लस सी। हाँ, इसमें वैल्यू लिखवा दें, बी की वैल्यू कौन सी है, 1-1, 1, आगे 2-2, 2, आखिर पर 3, 1, 3। ये लिख दिया आगे, प्लस सी की वैल्यू कौन सी दी गई है, सी की वैल्यू आपको 1, 0 और 0। आगे दूसरे 0-2, 3, तीसरी कौन सी है, 1, 1, 2। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू दी गई थी आपकी, यहाँ कंडीशन है बी और सी, तो आपने बी की वैल्यू लिख दिया पहले, फिर सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1-1, 0, 0, 0-2, 3, 1, 1, 2। करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस करने हैं, पहली एलिमेंट पहले के साथ प्लस करा दें जी, लिखवाएं 1+-1, आगे -1+0, तीसरा एलिमेंट 1+0, आगे 2+0, -2+-2 लिख दिए 2+3, आगे 3+1, 1+1, आगे 3+2। चलो ये लिख दिए मैंने, वैल्यू लिख दिए, आगे क्या कर रहे हैं आपने, प्लस करना है 0-1, 1, 2-4, 5, आगे 4, 2, 5। इक्वेशन 1 मैंने नाम लिख दिया, पहली साइड पूरी हो गई, अब दूसरी साइड क्या है, राइट हैंड साइड बी प्लस सी, बी की वैल्यू लिखवा दें, बी की वैल्यू कौन सी दी गई आपको, सॉरी सी प्लस बी है, सी पहले लिखना है, बी बाद में लिखना है, सी की वैल्यू आगे क्या करना है आपने, बी की वैल्यू लिख देनी है जी, आप सी की वैल्यू पहले लिखवा दें, सी किसके बराबर है, -1, 0, 0, आगे क्या है 0-2, 3 और उसके आगे 1, 1, 2 प्लस बी की वैल्यू लिखनी है, पहले सी की वैल्यू मैंने लिख दी है, अब बी की वैल्यू लिखनी है कौन सी है, 1-1, 1, आगे 2-2, 2, आखिर पर 3, 1, 3। ये लिख दिए वैल्यू, अब करना क्या आपने इसमें, वैसे करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज -1+1, 0-1, आगे 0+1, 0+2, -2, -2, आगे 3+2, उसके आगे 1+3, 1+1, आगे 2+3 जी, 0-1, 1, 2-4, 5, 4, 2 और 5। करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने प्लस कर दिए, 0-1, 1, 0-1, 1, आगे 2-4, 5, 2-4, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए, हमने पहले बी प्लस सी फिर सी प्लस बी, दोनों का रिजल्ट इक्वल आ गया। चौथे पार्ट में क्या लिखा है, पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी प्लस ए, ब्रैकेट वाला पहले रिजल्ट लिखवा दें आप जी, बी प्लस ए जो है, बी की वैल्यू कौन सी है, 1-1, 1, 2-2, प्लस आगे ए की वैल्यू लिख दी हमने, ए की वैल्यू कौन सी दी गई आपको, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1-1, 0। ये वैल्यू लिख दी है बी प्लस ए, हम फाइंड कर लें 1+1 पहला एलिमेंट पहले के साथ, आगे -1+2, आगे 1+3,
उसके आगे 2+2-2+3 आ गया 2+1, फिर 3+1 आ गए 1-1, 3+0। क्रिस्पॉन्डिंग डिजिट प्लस माइनस करने, पहला पहले में, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा चौथा पांचवा छठा नौवें तक सारी डिजिट प्लस किए जी, क्या रिजल्ट आ गया? 2 है आगे 1-4, फिर आगे 4-1-3, 4-0-3, ये लिख दिया। ये किसका रिजल्ट आ गया? बी प्लस ए का। आप किसके साथ प्लस करना है? लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखवाए, ए के साथ प्लस करना है, ए प्लस बी प्लस ए। हाँ भाई, आप लिखवा दें, आप ए की वैल्यू कौन सी है? 1-2-3, 2-3-1, 2-3-1, आखिर पर 1-1-0, ये लिखिए। प्लस बी प्लस ए का रिजल्ट कौन सा है? 2-1-4, 2-1-4, उसके आगे क्या है? 4-1-3, 4-0-3। क्रिस्पॉन्डिंग डिजिट प्लस माइनस करा दें, डायरेक्टली लिखवा दें रिजल्ट इसका। पहला एलिमेंट पहले के साथ 2+1-3, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 2+1-3, 3 और 4 7 लिख दिया, फिर 2+4 6 आ गया, आगे 3+1 4, 1+3 ये भी 4, 1+4 5, आगे -1+0-1 ही रह गया, 0+3 3 रह गया। पहली साइड पूरी हो गई, दूसरी साइड में क्या है? 2a+b, राइट हैंड साइड लिखवा दें, 2 × 2 a की वैल्यू आपने लिखनी है, a की वैल्यू कितनी दी गई आपको? 1-2-3, 2-3-1, 1-1-0, प्लस आगे क्या करना है आपने? आगे वैसे वैल्यू लिखवा दें, b की वैल्यू कौन सी है? 1-1-0, 2-2, 2, और उसके आगे 3-1-3 जी। अब लिखवा दें वैसे 1+, पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1, 2, 2 × 4, 2 × 3 × 6 आगे 4, फिर 6, 2 × 1 × 2 आगे 2 × 1 × 2, 2 × 1 × −2 लिख दिया, 2 × 0 = 0 लिख दिया, प्लस ये वैसे 1-1 = 0, 2 − 2 = 2, 3 − 1, ये लिख दिए। किया क्या है मैंने? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जितने एलिमेंट थे सारों के साथ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, फिर 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 आगे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 लिखा है, लेकिन माइनस का आगे 2 × 0 = 0। आप प्लस करा दें, आप क्रिस्पॉन्डिंग इंटीज 2+1, उसके आगे क्या लिख देंगे हम? 4+−−1 6+0, 4+2 6−2 2+2, चलो ये लिखें आगे 2+3 जी, उसके आगे −2+1 0+3। चलो भाई आगे क्या करना है? अब आपने रिजल्ट ही लिखवाएं, 3 3 6 6 4 4, आगे 3 और 2 5 है, −1 और 3, ये इक्वेशन आगे 2 3 3 7 3 3, इधर 7 है, इधर देख लें आप, इधर 1-1 वैल्यू में से एक है, यहीं वैल्यू में। यहाँ किया क्या हमने? वैल्यू जो दी गई थी 2a+b, b की वैल्यू कौन सी दी गई है? 1-1, आखिर पर 1 था, यहीं में से एक हो गई है जी। अब यहाँ आप जब 1 लिखेंगे, फिर अब रिजल्ट वही आ गया आपका जी, 1 प्लस करें 6 और 1 कितना हो गया? 7 3 3 7 6 4 4, आगे 5-1 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये साइडें बराबर आ गई हमने लिख दिया। आगे पांचवा पार्ट है सी माइनस बी, तो यहाँ क्या करना है आपने सी और बी को माइनस करना है, लिखवाए सी की वैल्यू कौन सी है माइनस वन ज़ीरो 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 माइनस टू थ्री आगे वन वन टू, ये लिख दिया। माइनस बी की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू है वन माइनस वन वन टू माइनस टू टू आखिर पर थ्री वन थ्री, माइनस करना है यहाँ भी वैसे सी और बी को माइनस जो करना है लिखवाए माइनस, आप माइनस वन ज़ीरो माइनस माइनस प्लस वन फिर ज़ीरो माइनस वन, पहली रो के साथ वैसे क्रिस्पॉन्डिंग इंटीर माइनस वन, ये माइनस वन बन गया, ये माइनस माइनस प्लस वन बन गया आखिरी माइनस। अब दूसरी रो अप्लाई कराएं ज़ीरो माइनस टू आगे माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू आगे थ्री माइनस, दूसरी हमने वैसे माइनस किया है ज़ीरो माइनस टू आगे माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू लिखा है थ्री माइनस टू आगे वन माइनस थ्री वन माइनस वन टू माइनस थ्री, ये लिख दिए जी भैया। अब इधर सिंपलीफाई करा दो माइनस टू, दोनों माइनस के करेंगे प्लस साइन माइनस का, आगे ज़ीरो प्लस वन वन रह गया आगे माइनस वन माइनस टू ज़ीरो और वन, तीन में से एक निकाल दें माइनस टू ज़ीरो और आखिर पर बड़ी रकम माइनस की है माइनस का वन बची है। अब ए के साथ इसी का रिजल्ट अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड पूरी आपने लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपकी सी माइनस बी प्लस ए, जी लिखवाएं अब सी माइनस बी का रिजल्ट यही है माइनस टू वन माइनस टू ज़ीरो वन माइनस टू ज़ीरो और माइनस वन आ गया है ए की वैल्यू, तो आप ए की वैल्यू लिखवा दें इसमें। ए की वैल्यू कितनी दी गई आपको वन टू थ्री वन, आखिर पर लिखा हुआ है थ्री वन थ्री, वन टू थ्री सॉरी वन टू थ्री वन, आखिरी आखिरी क्या है वन माइनस वन ज़ीरो, वो आप लिख देंगे जो वैल्यू दी गई है वन माइनस वन ज़ीरो। सी माइनस बी तो हमने ऊपर निकाल लिया, ये सी की वैल्यू पहले लिखी है फिर किसकी वैल्यू लिखी है हमने बी की लिखी है, इन्हें माइनस कर दिए। अब ए के साथ आपने प्लस करना है तो ए की वैल्यू वन टू थ्री वन वन माइनस वन ज़ीरो वो लिख दिए। क्रिस्पॉन्डिंग इंटीज वैसे लिखवा दें आप जी माइनस टू प्लस वन आगे वन, प्लस करना है या तो डायरेक्ट ही आप इसका रिजल्ट लिखवा दें। डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखेंगे माइनस दो में से जमा के एक निकाल दें माइनस वन आगे आगे वन प्लस टू कितना आ गया थ्री आ गया, माइनस वन में से ये थ्री है थ्री में से निकालो इसे कितना बच गया प्लस का टू, फिर माइनस टू प्लस टू ज़ीरो आ गया, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री लिख दिया, वन प्लस वन टू लिखा है आगे माइनस टू प्लस वन कितना बन गया माइनस का वन, ज़ीरो माइनस वन वही माइनस वन ही रह गया, माइनस वन प्लस ज़ीरो क्या बच गया माइनस वन। किया क्या हमने सी माइनस बी को ए के साथ प्लस करना है, माइनस टू में से वन निकाल दिया माइनस वन डायरेक्ट कर दिया, वन प्लस टू थ्री आगे माइनस वन थ्री और प्लस थ्री है वो निकाल दिए प्लस टू बचा माइनस वन प्लस टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री लिख दिए वन प्लस वन टू लिख दिए आगे माइनस टू प्लस वन माइनस का वन बच गया ज़ीरो माइनस वन, प्लस माइनस माइनस ही होता है वैसे माइनस वन लिख दिए माइनस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन। ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी पूरी हो गई, राइट हैंड साइड अब आपने पूरी करनी है जी। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है सी प्लस ए माइनस बी, राइट हैंड साइड लिखने से पहले आप क्या करें वही लिखवा दें ए माइनस बी पहले अप्लाई करा दो जी। ए की वैल्यू कितनी दी गई आपको वन टू थ्री वन वन टू थ्री वन वन माइनस वन ज़ीरो माइनस, बी की वैल्यू कौन सी दी गई है वन माइनस वन वन टू माइनस टू टू थ्री वन थ्री वन थ्री, ये वैल्यू लिख दी है।
वैल्यू लिखने के बाद आगे क्या करना है आपने, वैसे माइनस कर देना है। जी लिखवाएं डायरेक्ट ही माइनस करा दें आप, या लिखना है स्टेप तो लिख दें वन माइनस वन, टू माइनस माइनस प्लस वन, थ्री माइनस वन। वन माइनस वन लिखा है, आगे माइनस माइनस प्लस कर दिया, थ्री माइनस वन, टू माइनस टू, आगे थ्री माइनस माइनस प्लस टू, वन माइनस टू। इसके आगे देखें वन माइनस थ्री, माइनस वन माइनस वन, आगे ज़ीरो माइनस थ्री। क्रिस्पॉन्डिंग इंटीज माइनस कर दिए हैं, वन माइनस वन लिखा है, आगे वन, टू लिखा है, टू माइनस माइनस प्लस, फिर थ्री माइनस वन। दूसरी रो भी वैसे टू माइनस टू लिखा है, आगे थ्री माइनस माइनस प्लस टू, वन माइनस टू। वो लिख दिए वन माइनस थ्री, माइनस वन माइनस वन, और आगे ज़ीरो माइनस थ्री। अब इसका रिजल्ट लिखवा दें आप, कितना आ गया, ज़ीरो थ्री टू, आगे ज़ीरो, फिर फाइव है, आगे माइनस वन, फिर माइनस कितना है, तीन में से ये एक निकाल दें, माइनस टू और माइनस। अब इसे केस के साथ अप्लाई कर देने आपने, हमने ए माइनस बी निकाल लिया, सी के साथ लिखवाएं राइट हैंड साइड पूरी, सी आगे क्या है प्लस ए माइनस बी। जी सी की वैल्यू लिखवाएं अब आप, सी की वैल्यू कितनी दी गई है, सी की वैल्यू माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो, आगे क्या है ज़ीरो माइनस टू थ्री, उसके आगे वन वन टू। ये सी की वैल्यू लिख दिए, प्लस ए प्लस बी का रिजल्ट ज़ीरो थ्री टू ज़ीरो फाइव माइनस वन माइनस टू और माइनस। अब आपने डायरेक्ट वैसे प्लस करके यहाँ रिजल्ट लिखवा दें, माइनस वन प्लस ज़ीरो, रिजल्ट क्या आ गया, माइनस वन आगे ज़ीरो प्लस थ्री, रिजल्ट क्या लिख दिया, थ्री लिख दिया, ज़ीरो प्लस टू क्या लिख दिया, टू लिख दिया। ये देखो माइनस वन थ्री टू आ गया, आगे क्या करना है आपने, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो लिख दिया, माइनस टू प्लस फाइव कितना बच गया, प्लस थ्री बच गया, थ्री में से वन निकाल दें कितना बच गया, टू ज़ीरो थ्री टू। दूसरी रो भी कंपेयर करो आ गई। अब तीसरी रो वन माइनस टू कितना बच गया, माइनस का वन, वन माइनस टू आगे भी माइनस वन, टू माइनस थ्री क्या बच गया, माइनस वन। आखिरी आखिरी लिख देंगे ये इक्वेशन आगे, टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये दोनों इक्वल आ गए हैं, हवाला दे देना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अब इसका छठा पार्ट देखें आप, छठे में लिखा है टू ए प्लस बी, टू एंड टू ए की वैल्यू लिखवाएं, वैसे वन टू थ्री, टू थ्री वन, टू थ्री वन, आखिर पर वन माइनस वन ज़ीरो प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख रहे हैं। जी आगे क्या है उसके, बी लिखा है, बी की वैल्यू वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन। अब करना क्या आपने इसमें, वैसे लिखवा दें आप, पहले तो टू से मल्टीप्लाई करना है, टू फोर सिक्स टू, आगे टू माइनस टू और ज़ीरो। दो से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी इंट्रीज को मल्टीप्लाई किया है, आगे प्लस क्या है, वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री, ये लिख दिए। चलो ये प्लस माइनस हो गए, आगे क्या करना है आपने इन्हें, जी लिखवाएं अब, टू प्लस वन कितना आ गया, थ्री आ गया, उसके आगे क्या लिखेंगे आप, फोर में से वन निकाल दें कितना आ गया, थ्री, सिक्स और वन सेवन, फोर और टू कितना लिखा है, सिक्स, सिक्स में से टू निकालें, फोर, टू और टू फोर, आगे टू और थ्री फाइव, उसके आगे माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री लिख दिए इक्वेशन वन। ये टू ए प्लस बी, ये पहले भी आपने निकाला हुआ है, टू ए प्लस बी, उसके आगे क्या है ए प्लस बी प्लस ए, यहाँ क्या है ए प्लस बी, तरतीब थोड़ी चेंज है बाकी सारा वैसे ही है। अब ए प्लस बी पहले निकाल लें ब्रैकेट वाली जो टर्म है, जी ए की वैल्यू वहाँ आपने बी प्लस ए निकाला, तब क्या है ए प्लस बी, ए की वैल्यू वन टू थ्री,
टू थ्री वन वन माइनस वन ए की वैल्यू वन माइनस वन और आखिर पर क्या लिख दिया कौन सा एलिमेंट है ज़ीरो है ए की वैल्यू लिख दी वन टू थ्री वन वन माइनस वन ज़ीरो आगे बी की वैल्यू क्या है प्लस करना है बी की वैल्यू वन माइनस वन वन उसके आगे क्या है टू माइनस टू टू थ्री वन ए और बी को आपने प्लस करना था हमने वैसे लिख दिए ए और बी की वैल्यू लिख दी है अब वैसे प्लस कराओ जी वन प्लस वन टू आ गया टू माइनस वन कितना आ गया वन आ गया थ्री और वन फोर टू प्लस टू कितना लिख दिया फोर थ्री में से टू निकाल दिया वन वन प्लस टू कितना है थ्री वन प्लस थ्री फोर लिख दिया उसके आगे माइनस वन प्लस वन ज़ीरो बच गया ज़ीरो प्लस थ्री थ्री लिखा है किया क्या है मैंने ए प्लस बी डायरेक्ट करिस्पॉन्डिंग इंटीज प्लस कर दिए हैं वन प्लस वन टू लिखा है टू में से वन निकाल दिया वन बच गया थ्री में से ये थ्री और ये वन प्लस का था फोर लिखा है आगे टू प्लस टू फोर थ्री माइनस टू वन बच गया वन प्लस टू थ्री लिखा है उसके आगे वन प्लस थ्री फोर माइनस वन प्लस वन ज़ीरो ज़ीरो प्लस थ्री लिख दी अब आगे आप सारा लिख दें राइट हैंड साइड पूरी क्या है राइट हैंड साइड लिखवा दें जी राइट हैंड साइड है आपके पास ए प्लस बी जी लिखवाएं आप ए की वैल्यू पहले लिखवा दें ए की वैल्यू कौन सी दी गई आपको वन टू थ्री वन वन माइनस वन ज़ीरो आगे क्या करना है ए प्लस बी का रिजल्ट अभी निकाला है टू वन फोर फोर वन थ्री फोर ज़ीरो ए प्लस बी का इधर बी प्लस ए का रिजल्ट निकाला था रिजल्ट ए प्लस बी प्लस ए इक्वल होते हैं टू वन फोर फोर वन थ्री फोर ज़ीरो वही आ गए सारे अब प्लस करा दें आप डायरेक्ट लिखवा दें टू प्लस वन थ्री टू प्लस वन आगे थ्री लिखा है थ्री प्लस फोर सेवन टू और फोर सिक्स लिख दिया थ्री और वन फोर लिख दिया है वन और थ्री ये भी फोर होता है उसके आगे क्या है फोर और वन फाइव माइनस वन प्लस ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो प्लस थ्री थ्री अब ये इक्वेशन आ गई टू देखें वन भी वही थ्री थ्री सेवन सिक्स फोर फोर इधर भी सिक्स फोर फोर फाइव माइनस वन थ्री फ्राम इक्वेशन वन एंड लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं लिख दिया आगे सातवें पार्ट में क्या लिखा हुआ है सी माइनस बी तो आप पहले क्या करोगे सी और बी को माइनस कर देना है सी की वैल्यू लिखवा दें माइनस वन ज़ीरो 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 माइनस टू थ्री वन वन टू ये लिखा है माइनस बी की वैल्यू कौन सी दी गई आपको वन माइनस वन वन टू माइनस टू टू आगे थ्री वन थ्री ये वैल्यू लिख दी अब आगे क्या करना है आपने माइनस करना है यहाँ भी वैसे डायरेक्ट आप माइनस करा दिया पहला एलिमेंट पहले के साथ माइनस वन माइनस वन माइनस टू आ गया ज़ीरो माइनस माइनस प्लस वन तो प्लस वन रह गया ज़ीरो माइनस वन माइनस वन करिस्पॉन्डिंग इंटीज माइनस किए हैं माइनस वन और ये माइनस वन टू बना दिया ज़ीरो माइनस माइनस प्लस वन ज़ीरो प्लस वन बन गया ज़ीरो माइनस वन माइनस वन अब ज़ीरो माइनस टू तो माइनस टू है आगे माइनस टू प्लस टू ज़ीरो आ गया थ्री माइनस टू कितना बच गया एक आगे वन माइनस थ्री कितना बचा माइनस टू आगे वन माइनस वन ज़ीरो टू माइनस थ्री माइनस वन ये हमने माइनस कर दिए हैं यहाँ भी दूसरी रो वैसे किया ज़ीरो माइनस टू लिख दिया माइनस टू और माइनस माइनस प्लस बन गया वो ज़ीरो लिखा है थ्री में से टू निकाल दिया वो वन बच गया आगे वन माइनस थ्री माइनस का टू बचेगा आगे वन माइनस वन ज़ीरो टू माइनस थ्री माइनस वन ये सी माइनस बी का रिजल्ट आ गया अब इसे क्या करना है किसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पूरी सी माइनस बी माइनस ए के साथ माइनस करना है हाँ अब सी माइनस बी का रिजल्ट माइनस टू वन माइनस वन ज़ीरो वन आगे माइनस टू ज़ीरो और माइनस वन
माइनस करना है ए के साथ, ए की वैल्यू वैसे वही दी गई आपको, कौन सी है ए की वैल्यू, 1 2 3 2 3 1, 2 3 1 लिख दिया, 1 माइनस 1 0, ये वैल्यू लिख दी आप इधर भी ने वैसे डायरेक्ट, आप माइनस जो करना है माइनस ही करा दें, -2 -1 -3, 1 - 2 कितना बचा, -1 -1 और -3 -4, आगे -2 -2 कितना बना, -4, 0 -3 -3 लिख दिया, 1 - 1 0 आ गया, आगे -2 -1 कितना बना, -3, 0 -1 +1 तो +1 आ गया, -1 -0 -1 ही लिख दिए। हमने किया क्या, इक्वेशन 1 तो पूरी हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड वैसे डायरेक्ट माइनस कर दिया, -2 और -2 4 लिखा है, 0 -3 -3 लिख दिया, 1 - 1 0, फिर -2 और -1 -3 लिखा है, 0 -+1 +1 ही लिखा है, -1 और 0 क्या बन गया, -1। आगे राइट हैंड साइड इसकी कौन सी है, C-A, राइट हैंड साइड में C-A -B, वो डायरेक्ट लिख दें आपकी मर्जी, वरना वैसे ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म लिखी हुई है, सी और ए लिखा हुआ है, तो C-A, सी की वैल्यू कौन सी दी गई आपको, सी की वैल्यू लिखवा दें, -1 0 0, उसके आगे 0 - 2 3, आखिर पर 1 1 2, ये सी की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू लिखवा दें, ए की वैल्यू कौन सी दी गई आपको, 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 -1 और 0, ये वैल्यू लिख दी है, अब लिखवाओ वैसे -1 और इधर साइन चेंज करें, -1 कितना बन गया, -2, 0 - 2 - 2 लिख दिया, 0 - 3 - 3 आगे, 0 - 2 कितना बना, -2 - 2 और -3 - 5 बन जाएगा, 3 - 1 कितना बना, 2 बन गया। दूसरी रो जो अप्लाई किया, 0 - 2 - 2 लिख दिया, -2 और -3 - 5 आगे, 3 - 1 कितना बन गया, 2 बचा। फिर तीसरी रो अप्लाई करो, 1 - 1 0 आगे, 1 - -1 तो 2 बन गया, 2 - 0 ये लिख दिया, C-A का रिजल्ट। अब आगे क्या करना है आपने, इसे किसके साथ अप्लाई कर देना है, B के साथ, राइट हैंड साइड पूरी लिखवा दें जी, C-A आखिर पर लिखा हुआ है, -B, तो वही वैल्यू लिखवा दें आप B की, C-A का रिजल्ट कितना आ गया, अभी निकाला है, -2 - 2 - 3 - 2 - 5 और 2, आखिर पर क्या है, 0 2 और 2, ये आखिरी भी हमने वैसे अप्लाई किए इसके साथ, 1 + 1 2 लिख, सॉरी माइनस करना था, 1 - 1 0 आगे, 1 - -+2 बन गया, 2 - 0 तो 2 लिख दी। अब B की वैल्यू लिखवा दें, B की वैल्यू आपको कौन सी दी गई है, 1 - 1 1 आगे, 2 - 2 2 3 1 3, ये वैल्यू लिख दी है, अब आगे वैसे डायरेक्ट आप माइनस ही करा दें, -2 इन सारों के साइन चेंज करने, पहले जो साइन है और लगाने, -2 और -1 - 3 बन गया, -2 और -1 +1 तो क्या बन गया, -1 बच गया, उसके आगे माइनस और ये क्या लिख दिया आखिर पर, -3 है, ये -1 होगा, 3 और 1, -4 लिखा है, उसके आगे -2, ये भी -2 - 2 करेंगे प्लस साइन, -4 लिख दिया, आगे -5 और ये -, क्या बना, +2 बन जाएगा, -5 में से 2 निकाल दें, कितना बच गया, -3, आखिर पर 2 लिखा हुआ इधर कौन सा है, 2 है, साइन चेंज करना है इसका, 2 - 2 कितना आ गया, 0, चेक कंपेयर करोगे तो -3 - 1 4, इधर भी -3 - 1 4 आगे, -4 - 3 0, यहाँ दूसरी रो भी वैसे आ गई,
अब तीसरी को सिंपलीफाई करा दें आप, 0 - 3 कितना बन गया, -3 लेकर ही आगे, 2 - 1 कितना बच गया, प्लस का 1 बच गया, आगे 2 - 3 कितना बचा, माइनस का 1 बच जाएगा, बड़ी रकम माइनस की। अब ये इक्वेशन आगे 2 वाला वैसे दे देना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 और 2 के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे तो सारे एलिमेंट एक जैसे, इनके आखिरी वैसे -3, -1, -1 को लिख दिए। अब 8वां पार्ट इसका a+b+c, तो पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है a+b, तो आपने a और b को प्लस करना है। वैल्यू कौन सी दी गई, a की 1, 2, 3, 2, 3, 1 और आगे 1 - 1, 0। जी प्लस बी की वैल्यू कौन सी दी गई है, बी की वैल्यू लिखवा दें 1 - 1, 1 आगे 2 - 2, 2, 3, 1, 3। ए और बी की वैल्यू लिख दी है जी, अब ए और बी को डायरेक्ट वैसे प्लस करा दें, 1 + 1, 2, 2 आगे +-1, 2 में से एक निकाल दें, एक बच गया, 3 + 1, 4 आगे 2 और 2, 4 लिख दिया, 3 में से 2 निकाला, 1, 1 + 2 कितना आ गया, 3। ए प्लस बी आपने वैसे पहले भी निकाला हुआ है, 2, 1, 4, 4, 1, 3, 4, 0, 3 आखिरी। वैसे प्लस कर दिया, आप किसके साथ आपने अप्लाई करा देना है, सी के साथ, लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखवाएं, ए प्लस बी प्लस सी। जी ए प्लस बी का रिजल्ट कौन सा है, 2, 1, 4, 4, 1, 3, 4, 0, 3 प्लस सी की वैल्यू कौन सी दी गई आपको, सी की रिजल्ट वही लिखवाएं, -1, 0, 0 उसके आगे क्या है दूसरा, 0, -2, 3 ये लिख दिया। आप तीसरी लिखवा दें, तीसरी रो कौन सी है, 1, 1, 2 जी लिखवाएं वैसे डायरेक्ट, 2 में से एक निकाल दें, एक बच जाएगा, 1 + 0 तो 1 लिखा, 4 + 0, 4 आगे 4 + 0, 4 लिख दिया, 1 - 2, -1, 3 + 3, 6 4 और 1, 5 आगे 0 + 1, 1 लिख दिया, 3 और 2, 5 ये पहली साइड आपकी पूरी हो गई। पहली साइड किया क्या है, वैसे 2 में से एक निकाल दो, +-, -ही होगा, 1 आ गया, आगे 1 + 0, 1 4 + 0, 4 लिखा है, 4 + 0, 4 आगे 1 - 2 बड़ी रकम माइनस की है, माइनस का एक बच गया, 3 + 3, 6 4 + 1, 5 आगे 0 + 1, 1 लिखा है, 3 और 2 कितना लिख दिया, 5 पहली साइड हो गई। दूसरी साइड में बी और सी को आपने प्लस करना है, बी प्लस सी। जी आप बी की वैल्यू लिखवा दें, बी की वैल्यू कौन सी दी, -1 बी की वैल्यू यही है ना, बी की वैल्यू 1 - 1, 1 2 - 2, 2 3, 1, 3 ये बी की वैल्यू लिखी। आगे क्या करना है आपने, सी की वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू कौन सी दी गई आपको, -1, 0, 0 उसके आगे 0, -2, 3 जी। अब इसके आगे क्या है, आखिरी जो लिखी हुई है 1, 1 और 2 चलो आप बी और सी को प्लस करा दें डायरेक्ट वैसे, 1 - 1, 0 - 1 और + 0 - 1 आगे 1 + 0, 1 ही लिखा, प्लस करने साइन चेंज तो नहीं करने, वैसे जैसे हैं वैसे लिख देने आपने, 2 + 0, 2 लिख दिया, -2, -2, -4 2 + 3, 5 आ गया, आगे 3 + 1, 4 1 + 1, 2 लिखा है, 3 और 2, 5 बी और सी को प्लस जो किया है पहली रो वैसे आपने अप्लाई कर दिया, 1 - 1, 0 आ गया, -1 और 0 - 1 1 + 0, 1 लिखा है, 2 + 0, 2 लिख दिया, -2 और -2, -4 लिख दिया, 2 + 3, 5 आगे 3 और 1, 4 लिखा है, 1 और 1, 2 और 3 और 2, 5 अब ये आ गया किसके साथ प्लस करना है, ए के साथ, राइट हैंड साइड पूरी लिखवा दें आप, ए प्लस ये रिजल्ट है बी प्लस सी का, लिखवा दें बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी।
ए की वैल्यू पहले लिखवा दें, ए की वैल्यू कौन सी दी गई आपको, 1 2 3 2 3 1, 1 - 1 0, ये लिख दिया आगे, ए की वैल्यू हमने लिख दी 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। आगे बी प्लस सी, अभी रिजल्ट हमने निकाला है, वही लिख देना है, कौन सा रिजल्ट है उसका, 0 - 1 1 2 - 4 5, उसके आगे क्या है, 4 2 5, 1 - 1 1 लिखा है, 2 - 4 5 4 2 5, ये लिख दें। अब करिस्पॉन्डिंग इंटीज वैसे आपने प्लस करा देनी है, करिस्पॉन्डिंग इंटीज लिखवाएं, अब क्या रिजल्ट आ गया इसका, 1 + 0 1 लिखा, 2 - 1 प्लस का 1 बच जाएगा, 3 और 1 कितना है, 4, 1 1 4 पहली रो आ गई, 1 1 4, आगे दूसरा 2 + 2 कितना आ गया, 4, 3 - 4 तो माइनस का 1 बच गया, उसके आगे क्या है, 1 और ये 5 कितना बन गया, 6, आगे 1 + 4 5 लिखा, -1 + 2 तो प्लस का 1 बच जाएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, 0 + 5 5 लिख दिया, ये इक्वेशन आ गई 2। यहाँ भी देखें आपने इक्वेशन 1 निकाली, 1 1 4 1 1 4, दूसरी रो 4 - 1 6 4 - 1 6 5 1 5, इधर भी 5 1, आखिर पर लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखिए।